नहीं है। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह गर्मी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे और रात को बिजली जब पढ़ने का थोड़ा ठंडा होता है तो बिजली गुल हो जा रही है। रात का समय है और बिजली कट गई है, ऐसे में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है और लोग इतने परेशान हैं। गर्मी तो हर साल पड़ती है लेकिन इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं, खास करके खाना बनाने में जो मतलब इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि हम लोग कह नहीं सकते हैं। लाइट का कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना दिन में लाइट रहता है ना रात में रहता है, एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्पेशली पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे इतनी गर्मी में। इन्वर्टर होते हुए भी हम लोग फैन ऑन नहीं कर पा रहे। पारा झारखंड के कई इलाकों में 40 पार पहुंच चुका है। तपती गर्मी कहर ढा रही है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं और यहां घर में भी लोगों को चैन नहीं। गर्मी के सितम पर बिजली की कटौती घर में मानो बिन बुनाए मेहमान के तौर पर बैठी हुई है। किसी जिले में 3 घंटे तो किसी में 7 घंटे, तो कहीं कहीं हाल ये है कि 12-12 घंटे बिजली गुल रह रही है। मौसम के कड़े तेवर के बीच पावर संकट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। बिजली को लेकर तो काफी परेशानी है, एक प्रकृति की मार है, बहुत गर्मी है, काफी गर्मी है। हम समझते हैं कि 45-46 डिग्री से कम सेल्सियस का अभी नहीं है बिजली का, जिस कदर से है यहाँ अभी उतार चढ़ाव है, लाइन को काट दिया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। परेशानी है कि काम करने में दिक्कत होता है, बच्चा लोग का पढ़ने में दिक्कत होता है, उसके बाद पावर प्लांट रहने के बावजूद तिलैया में लाइन रहता ही नहीं है। इतना नजदीक में पावर प्लांट रहेगा तो भी इतना लाइन का प्रॉब्लम रहेगा तो क्या फायदा है इस सब पेट्रोल में पावर प्लांट रहने का। रात में भी कटता है, दिन में भी कटता है, तो इन्वर्टर है तो थोड़ा बहुत हम लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन कटता लाइट बहुत ज्यादा है। बिजली का तो स्थिति बहुत खराब है सीकेपी में देखा जाए तो, जिस तरह से अभी तापमान बढ़ रहा है उसके हिसाब से गाँव वाले बहुत परेशान हैं। दिन में कई बार करंट कट रहा है, कहीं कहीं तो ट्रांसफार्मर वगैरह में आग भी लग जा रहा है, जिससे गांव वालों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आज जैसे गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और गर्मी काफ़ी बढ़ जाने के कारण और बिजली का इतना आना और जाना, इसके लिए आदमी और बहुत परेशान हो रहे हैं। कभी रात को बिजली कट जा रही है, रात को 1 बजे आदमी सो के उठ जा रहे हैं गर्मी से और पंखा वगैरह चल नहीं रहा है। बार बार बिजली कटने की समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम लोग को गर्मी में ड्यूटी करना पड़ जा रहा है। तो विभाग से क्या मांग करेंगे? विभाग से हम लोग यही मांग करते हैं कि बिजली अच्छी तरह से दे ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। दरअसल झारखंड में 2400 से 2500 मेगावाट बिजली की अभी मांग है। मांग के मुताबिक फुल आपूर्ति का दावा भी है। हर इलाकों में लोड शेडिंग की शिकायतें लेकिन आ ही रही है। AEJ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं लेकिन बिजली कटौती कम नहीं हो रही। गर्मी में लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं।